जनपद कुशीनगर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27/10/2024 को थाना सेवरही क्षेत्रांतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर पुस्तकार बोलेरो वाहन से सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते गोवंशों की चोरी छिपे लादकर बिहार ले जा रहे थे। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाते हुए पुलिस टीम गठन किया, जिसमें थाना सेवरही, थाना पठेरवा, विशुनपुरा साइबर थाना की पुलिस विशुनपुरा सेवरही मार्ग पर गगलवा पुल नहर के पास गणेश पट्टी जाने वाली सड़क नहर मार्ग पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान एक बुलेरो वाहन पुलिस बैरियर को तोड़कर आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा जंगल में पेड़ों और झाड़ियों की आड़ लेकर साक्ष्य साध कर पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग किया गया। जवाबी प्रतिरक्षा में पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी पहचान विकी प्रसाद पुत्र लड्डू प्रसाद के रूप में हुई है। इसके कब्जे से 4 राशि गोवंशी पशु, 1 अदद ठोस लकड़ी का गोलाकार ठीहा, रस्सी व 2 अदद चाकू, 1 अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस बरामद किया गया। जनपद कुशीनगर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को थाना सिवरही क्षेत्र अंतर्गत यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ शातिर पशु तस्कर वाहन से सीमावर्ती क्षेत्रों के रास्ते गोवंश को बिहार ले जा रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल योजना बनाकर टीमों का गठन किया गया, जिसमें थाना सिवरही, थाना पटेरवा, विशुनपुरा और साइबर थाना की संयुक्त टीम द्वारा गाड़ाबंदी, नाकाबंदी और चेकिंग की कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच संदिग्ध बुलेरो वाहन पुलिस के बैरियर को तोड़कर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम को लक्ष्य करके जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा जवाबी प्रतिरक्षा में की गई कार्रवाई में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसकी पहचान विक्की प्रसाद पुत्र लट्टू प्रसाद निवासी गोपालगढ़ थाना कसिया जनपद कुशीनगर हाल मुकाम मगहिया आमपुर थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। घायल गिरफ्तार अभियुक्त को चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया, जिसके कब्जे से 4 राशि गोवंशी पशु, 1 ठीहा, रस्सी, 2 चाकू व 1 अवैध तमंचा, 3 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खाली कारतूस की बरामदगी हुई। अभियुक्त विक्की प्रसाद का लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध जनपद कुशीनगर और जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों में कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।